हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब ग्रुप की थ्योरम नंबर 23 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सब ग्रुप की डेफिनेशन, थ्योरम नंबर 19, थ्योरम नंबर 20, थ्योरम नंबर 21 एंड थ्योरम नंबर 22 की थी। अगर आपने ये थ्योरम्स नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आह्वान से देख सकते हैं। थ्योरम नंबर 23, इफ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। पहले हम थ्योरम्स में क्या लेकर चले थे, ओनली एच को सब सेट लेकर चले थे जी का। इसका मतलब कितने आ गए, दो। मतलब जी हमारा क्या है, ग्रुप है। इसके दो पार्ट ले लिए, एक तो एच और एक जी। ये इटसेल्फ दोनों क्या है, ग्रुप है बाय डेफिनेशन। देन इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जो थ्योरम नंबर 23, थ्योरम नंबर 24 और थ्योरम नंबर 25। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। इन तीनों में से एक थ्योरम तो हमेशा आती है पेपर में, तो आपने इन तीनों थ्योरम्स को अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो सेट है उसको नॉन एम्प्टी प्रूव करेंगे। तो उसके लिए क्या किया, सिंस एच एंड के हमारे क्या है, सब ग्रुप्स हैं, किसके, जी के। देयरफॉर ई बिलोंग्स टू एच और ई बिलोंग्स टू के, क्योंकि हम लेके चले थे कि हमारा जो इटसेल्फ और सिंगलटन सेट ई है वो किसके पार्ट्स हैं, सब ग्रुप हैं, किसके, ग्रुप के। तो हमने लेके चले हैं कि E किसको बिलोंग कर रहा है, H एंड K को। अगर इन दोनों को बिलोंग कर रहा है तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो इसकी इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट हमारा मिल गया है। अगर नॉन एम्प्टी है तो हम लेके चले हैं कि लेट कर लिए A कोमा B किसको बिलोंग कर रहा है, H इंटरसेक्शन K, क्योंकि हम ले यहाँ पे प्रूव कर दिया कि हमारा जो सेट है वो क्या है, नॉन एम्प्टी है। हमेशा याद रखना एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन। ये आपने प्लस टू में भी किया होगा। नाउ देन ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच, इंटरसेक्शन की जगह हमने लिख दिया एंड। A कोमा बी बिलोंग्स टू K। अब H एंड K के हमारे सब ग्रुप्स हैं, किसके, G के। तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, A बी इनवर्स बिलोंग्स टू H, A बी इनवर्स बिलोंग्स टू K बाय थ्योरम नंबर 21, क्योंकि A बी A कोमा बी बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज A बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज हुआ है, थ्योरम नंबर 21। अगर आपको ये पेपर में आती है तो आपने ये सारी लाइंस यहां से लेकर यहां तक लिख देनी है रीजन में। अगर आपके पास पेपर में टाइम है तो आपको एज ए लेमा इसको प्रूव कर देना है, इससे आपको फुल मार्क्स आएंगे। अदरवाइज आप इसकी ओनली स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। दस यही हमने लेकर आना था, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, ये लेके चले थे। तो आंसर क्या आ गया, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। तो इसका मतलब है ये हमारी जो इंटरसेक्शन है वो क्या बन गई, सब ग्रुप बन गई, क्योंकि हम यही प्रूव कर रहे हैं ना। ये देखो बाय डेफिनेशन कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच है तो इसका इनवर्स भी किसको बिलोंग करना चाहिए, एच को। मतलब एक सिंपल और एक दूसरे का इनवर्स। तो यही प्रूफ किया हमने, ए बी इनवर्स। हमेशा याद रखना है, जब भी सब ग्रुप प्रूफ करना है तो हमने ये प्रूफ कर देना है। सो सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या लेकर आना है, हमने ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए जो क्वेश्चन में है। आई होप आपको 23 थ्योरम क्लियर हो गई हो। नाउ 24, ये सेम है जैसे हमने 20 नंबर 23 की है।
अब हम आर्बिट्रेरी के लिए करेंगे, पहले हमने टू एलिमेंट्स के लिए की थी, अब आर्बिट्रेरी कलेक्शंस के लिए करेंगे। इंटरसेक्शन एंड आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। आपको पेपर में 23 एंड 24 कंबाइन होकर भी आ सकती है, और ये दोनों थ्योरम्स आपको 6 मार्क्स में आ सकती हैं। तो आर्बिट्रेरी के लिए क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी मतलब कि हमें पता नहीं है भी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमने ले लिया इंटरसेक्शन, अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, इसको हम कैपिटल लैम्डा बोलते हैं, और इसको सिंपल लैम्डा, ये क्या होता है कैपिटल लैम्डा, और इसको हम सिंपल लैम्डा बोलते हैं। लेट कर लिया एच अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, सेम लाइन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो सेट ऑफ उसको नॉन एम्प्टी प्रूव करना है, उसके लिए हमेशा क्या करेंगे, ई बिलोंग कर रहा है हमारे एच अल्फा को, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, अगर एच अल्फा को बिलोंग कर रहा है तो इसकी इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, इसका मतलब ई बिलोंग्स टू एच, तो इसका मतलब हमारा जो सबसेट है वो क्या आ गया, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी आ गया, तो इसका मतलब दो एलिमेंट्स आ गए। लेट कर ले कि दो एलिमेंट्स ले लिए ए कोमा बी, अब हमारा मेन टारगेट क्या है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू गिवन क्या है, ये इसको बिलोंग करने चाहिए, ये देखो लास्ट में हम यही लेके आएंगे, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू दिस वन। तो उसके लिए क्या किया, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच अल्फा, अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो एच अल्फा को भी बिलोंग करेगा, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ओनली ये लिखोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर इन दोनों को बिलोंग कर रहा है, फिर से थ्योरम नंबर 21, यहां पे आप स्टेटमेंट लिखोगे 21 की, क्या आ जाएगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच अल्फा, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, बिकॉज ईच एच अल्फा इज सब ग्रुप। रीजन में क्या लिखोगे, वी नो दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली ए कॉमा बिलोंग कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। आगे क्या लिख दोगे, वी नो दैट, सो अगर इनवर्स एच अल्फा को बिलोंग कर रहा है तो इसकी इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा एच अल्फा, तो ये सेम ही स्टेप से बस एक दूसरे को घुमाया हुआ था, तो ये किसके को लिया था हमने, एच के, यही हमने प्रूव करना था, हैज एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। सो बिल्कुल सेम थ्योरम्स थी, जैसे हमने ऊपर वाले स्टेप्स किए हैं वैसे सेम स्टेप्स किए हैं। यहां पे हमारा क्या था, एच एंड के था, इसकी जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा एच अल्फा, तो थ्योरम नंबर 23 एंड 24 सेम है और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। नाउ इसका रिमार्क क्या है, यूनियन ऑफ, यूनियन मतलब यू, यूनियन और इंटरसेक्शन में फर्क क्या होता है, इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन पार्ट्स आते हैं और यूनियन में सारे आ जाते हैं, ऑल एलिमेंट्स। यूनियन ऑफ इवन टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप मे नॉट बी ए सब ग्रुप, तो हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि इवन टू सब ग्रुप्स, दो सब ग्रुप्स लेने हैं जो क्या है, इवन है, बट वो सब ग्रुप नहीं आएंगे, तो ये प्रूव करते हैं। काउंटर एग्जांपल ले ली, टू जेड से क्लियर है, ये क्या है, इवन, टू एन, एन बिलोंग्स टू जेड, थ्री एन बिलोंग्स टू जेड, टू हमारा क्या है, इवन है, क्योंकि टू को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो इवन आएगी, और जो थ्री है वो क्या है,
इसमें हमारे ऑड नंबर्स भी आएंगे और इवन नंबर्स भी आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा. इसका मतलब इवन्स भी आ रहे हैं और ऑड भी आ रहे हैं, बट इसमें हमेशा क्या आएंगे, ओनली इवन नंबर्स. तो इसका मतलब इसमें ओनली इवन्स आ रहे हैं, इसमें इवन एंड ऑड नंबर्स आ रहे हैं. सब ग्रुप्स हैं किसके, जेड कॉमा अंडर एडिशन, इसकी यूनियन, बट 2z यूनियन 3z इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ z कॉमा प्लस, बिकॉज 2,3 बिलोंग्स टू 2z यूनियन 3z. क्योंकि अगर इस इन दोनों की यूनियन करे 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, तो यूनियन में तो आ रहा है, बट 5 इज इक्वल टू 2+3. अंडर एडिशन कर रहे हैं ना हम, अंडर एडिशन क्या आ रहा है, 5 तो इन दोनों में नहीं आ रहा, देखो 2, 4, 3, 6, तो इसमें 5 नहीं आ रहा, तो इसलिए ये सब ग्रुप नहीं है. तो ये भी रिमार्क इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी कंपोजिशन है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट हमारी जो कंपोजिशन है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करी, तो इसलिए ये सब ग्रुप नहीं है. थ्योरम नंबर 25 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये थ्योरम हमेशा 6 मार्क्स में आती है. यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ दे आर कंपेयरेबल. कंपेयरेबल का मतलब क्या होता है, कि हमारा जो H1 है वो किसका सबसेट होना चाहिए, H2 का, और H2 सबसेट होना चाहिए H1 का. इसको हम बोलते हैं कंपेयरेबल. या आपको लिखा सकता है वन सब ग्रुप इज कंटेन्ड इनटू द अदर. तो हमारे पास मेन क्वेश्चन क्या है, ज्यादातर स्टेटमेंट ये आती है. तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ H1 H2 हमारे पास क्या है, 2 सब ग्रुप्स हैं, देन इसकी जो यूनियन है, यूनियन मतलब H1 यूनियन H2, वो क्या होनी चाहिए, सब ग्रुप होनी चाहिए. किसमें, ग्रुप, ग्रुप मतलब G. इफ एंड ओनली इफ, कंपेयरेबल का मतलब क्या है, H1 इज सबसेट ऑफ H2 और H2 इज सबसेट ऑफ H1. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड इजी थ्योरम है. तो सबसे पहले हमने क्या लेके चले हैं, कि दोनों क्या है, हमारे सब ग्रुप है. प्रूफ क्या करना है, कि H1 यूनियन H2 हमारी क्या बना रही है, सब ग्रुप बना रही है. तो इसके लिए क्या किया, लेट कर लिया H1 एंड H2 बी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G. लेट कर लिया कि H1 किसका सबसेट है, H2 का, और H2 किसका सबसेट है, H1 का. अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इसकी जो यूनियन है या तो H1 के इक्वल आएगी या H2 के इक्वल. अगर H1 और H2 के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब इसमें 2 एलिमेंट्स है और फाइनाइट भी है, तो इसका मतलब ये क्या बना गया, सब ग्रुप बना गया. सब ग्रुप मतलब इटसेल्फ ग्रुप होता है. और हमने डेफिनेशन भी की थी कि इटसेल्फ और सिंगलटन सेट्स हमारे क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं G के. तो इसका मतलब H1 और H2 हमारे क्या हो गए, सब ग्रुप हो गए G के. सो आप यहां पे लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप. जो हम ग्रुप थ्योरी कर रहे हैं, इसमें सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आपको ये तभी आएगा जब इसकी डेफिनेशंस आएंगी. तो सबसे पहले आपने डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करना है, उसको अच्छे से लिख लिख कर लर्न करना है या प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये थ्योरम समझ आएंगी. अगर आप पेपर में ओनली रीड करके जाओगे तो आपको कुछ भी लिखना नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मेन क्या है, इसको लिखना आना चाहिए. स्टेप्स तो हमारा सेम ही है सभी थ्योरम्स के, बट इसका लिखने का वे आना चाहिए. अगर आपका लिखने का वे रॉन्ग हो जाता है, तो आपकी सारी थ्योरम रॉन्ग हो जाएगी. तो आपने क्या करना है, एक बार इसको रीड करके, एक बार इसकी, फिर इसकी रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है. नाउ कन्वर्स में हम क्या लेके चले हैं, कि हमारी जो यूनियन है वो क्या है, सब ग्रुप है.
प्रूफ क्या करना है कि एच वन इज सबसेट ऑफ एच टू और एच टू इज सबसेट ऑफ एच वन। उसके लिए हमने प्रूफ करने के लिए क्या किया, इफ पॉसिबल लेट कर लिया, नाइदर एच वन इज सबसेट ऑफ एच टू नॉर एच टू इज सबसेट ऑफ एच वन। इसका मतलब लास्ट में हम कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आएंगे। देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एच वन बट जो ए है वो नॉट बिलोंग्स टू एच टू। सिमिलरली यहां पे ले लिया बी बिलोंग्स टू एच टू सच दैट बी नॉट बिलोंग्स टू एच वन। अगर ए एच वन को बिलोंग कर रहा है तो इसकी यूनियन को भी बिलोंग करेगा क्योंकि यूनियन में ऑल एलिमेंट्स आते हैं। अगर बी बिलोंग कर रहा है एच टू को तो इसकी यूनियन को भी बिलोंग करेगा, इसका मतलब इसके प्रोडक्ट को भी बिलोंग करेगा। प्रोडक्ट यूनियन का मतलब मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, और इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। सो यहां पे क्या करेंगे, यू की जगह पुट कर देंगे और, जैसे हमने इंटरसेक्शन में किया था। इफ ए बी बिलोंग्स टू एच वन, अगर एच वन को बिलोंग कर रहा है देन आप सीधा ये स्टेप मत लिखना, आप ऐसे लिखना ए कॉमा ए बी बिलोंग्स टू एच वन, ए बिलोंग्स टू एच वन इसका इनवर्स भी एच वन को बिलोंग करेगा। अगर ए एच वन को बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी एच वन को बिलोंग करेगा क्योंकि हम लेके चले हैं कि हमारा एच वन यूनियन एच टू क्या है, सब ग्रुप है, तो इसका जो इनवर्स प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करेगी। तो हमने यहां पे लिख लिया, इसके आगे क्या लिख लिया, ए इनवर्स ए बी बिलोंग्स टू एच वन। ए ए इनवर्स क्या होता है, ई मतलब ई इंटू बी, ई इंटू बी मतलब बी, बी बिलोंग्स टू एच वन, बट हम लेके क्या चले थे कि बी नॉट बिलोंग्स टू एच वन, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सिमिलरली हमने क्या किया, ए बी बिलोंग्स टू एच टू, अब इसमें क्या करेंगे बी इनवर्स कर देंगे, बी बी इनवर्स मतलब ई, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू, यहां पे आपने लिख के दिखाना है बिकॉज बी बी इनवर्स इज इक्वल टू ई, तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू एच टू, बट ये हम लेके चले थे कि ए इज नॉट बिलोंग्स टू एच टू, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब हम जो लेकर चले थे वो हमारा क्या है, रॉन्ग है। Hence, H1 is subset of H2 और H2 is subset of H1. So, ये बहुत easy theorem थी और very important theorem थी। Now, next video में हम theorem number 26 जो बहुत important है और काफी बार paper में आई हुई है, next lecture में discuss करेंगे। Thank you.